बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर पेटी कैट कुक स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डिस्काउंट क्या होता है। कहते हैं डिस्काउंट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड मिनिमम अमाउंट पेड आर रिसीव्ड। मिसाल के तौर पे हमसे डेटर्स ने 1000 की परचेजेस की, फेस वैल्यू उसकी 1000 रुपया है और अमाउंट मिनिमम पेड और उसने हमें कितनी अमाउंट पे की, 950 रुपये। तो 50 रुपये का हमने उसे क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। या हमने क्रेडिटर से 1000 की परचेजेस की और उसे हमने 950 रुपये पे किए, तो जो 50 रुपये का हमें छूट मिली है इसे हम कहेंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एन अलाउंस गिवन टू मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, रिटेलर्स। ऐसा अलाउंस जो कि होलसेलर्स, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाए वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट एट दी स्पॉट मिलता है। जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी, 1000 की हमसे परचेजेस करे कोई डेटर और हम उसे कहें यार चलो ठीक है 1000 का बिल बनाए, आप 950 रुपये दे दो, अपनी मर्जी से, अपनी विल से या मुश्तरका काविश से हमने 50 रुपये उसे छोड़ दिए, तो ये हमारी क्या होगी, ट्रेड डिस्काउंट। अब सेटलमेंट डिस्काउंट ये होता है कि डेटर्स हमसे 5000 रुपये की चीज़ें फ़र्ज़ करें ले गया और हमने उसे 5000 रुपये की पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन हमने उसे ये कहा कि अगर आप ये 15 दिनों के अंदर पैसे वापस कर दोगे तो मैं आपसे 4500 रुपये ले लूँगा। अब वो जो 500 रुपया है जो कि एक टाइम लिमिट के बाद उसने देना है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि डेटर्स को बूस्ट किया जाए, ताकि वो अपना डेट जो है वो जल्दी से जल्दी पे ऑफ करने की कोशिश करें। अगर कोई डिस्काउंट इस तरह का दिया जाए तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट, और इसकी एंट्री अकाउंटिंग में की जाती है। अगर आपने डिस्काउंट दी है तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, और अगर डिस्काउंट ली है क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। अब हम आ जाते हैं पेटी कैश बुक की तरफ। पेटी कैश बुक वो पेटी कैश होता है जो कि रोजमर्रा के माइनर एक्सपेंडिचर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे छोटा मोटा कोई फेयर पे करना है एम्प्लॉय ने, उसके लिए एक हेड कैशियर होता है, वो कैशियर जो होता है वो उनको पेमेंट करता है। जैसे ऑफिस वगैरह में टी वगैरह पी जाती है तो उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो पेटी कैश बुक से दिए जाते हैं। इसी तरह अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी का कोई पैसा देना है तो वो पेटी कैश बुक से दिए जाएंगे। इसमें दो तरह की पेटी कैश बुक होती है, ऑर्डिनरी सिस्टम होता है इसमें और इसमें एमपेस सिस्टम होता है। ऑर्डिनरी सिस्टम में ये होता है कि कैशियर को लमसम अमाउंट दे दी जाती है, मसलन उसे 10000 रुपये दे दिया और उसे कहा जितने भी चार माइनर एक्सपेंडिचर्स होंगे आप करते जाओ, और जब ये पैसा ख़त्म हो जाए 15 दिनों में, 10 दिनों में, महीने में, 2 महीने में, जब ये पैसा ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा हेड कैशियर के पास आप आ जाओ और जितना आपने एक्सपेंडिचर कर दिए हैं 10000 में या 10000 पूरे का पूरा खर्च कर दिया है, तो आप हेड कैशियर को उसकी रिपोर्ट सबमिट कराओ और दोबारा 10000 या 20000 या जितना आपका दिल करता है उस इदारे को देखते हुए आप दोबारा उससे रिसीव कर सकते हो। अगर आपने 10000 से ज़्यादा पे किया होगा तो हेड कैशियर आपको रीइम्बर्स कर देगा। जबकि इम्प्रेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इम्प्रेस सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन एक ख़ास अमाउंट पेटी कैश के लिए तय कर लेती है कि हर महीने हम 1000 रुपया पेटी कैश बुक के लिए देंगे, आपने इसके अंदर रहते हुए सारे एक्सपेंसेस को मीट करना है। तो इस सिलसिले में इसके अकाउंट जरा थोड़े से डिफरेंट बनते हैं ऑर्डिनरी से। हम इस अकाउंट के बारे में बात करेंगे इम्प्रेस के बारे में, क्योंकि ऑर्डिनरी सिस्टम यूजुअली यूज़ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादातर फॉलो किया जाता है इम्प्रेस सिस्टम को। इम्प्रेस सिस्टम में इसलिए फॉलो किया जाता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, इंटरनल कंट्रोल इसमें ज़बरदस्त होते हैं और इसमें
कैशियर को 1,000, 2,000, 10,000 की अमाउंट तय कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन और वो दे देती है। और अगर महीने के एंड पे उस 1,000 में से अगर कुछ बच जाए, फॉर एग्जाम्पल 1,000 बच गया, 900 रुपया खर्च हो गया, तो दोबारा अगले महीने उसे 1,000 नहीं मिलेगा, उसे 900 रुपया मिल जाएगा। जबकि अगर उसने खर्चा कर दिया 1,200 रुपये का, तो 200 रुपया उसे रीइंबर्स होगा और दोबारा उसे 1,000 रुपया मिल जाएगा। तो हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। कैश रिसीव्ड, डेट, पार्टिकुलर्स, टोटल कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज और मिसलेनियस, कुछ भी हो सकती है चीजें। फॉर एग्जाम्पल यकम जनवरी 2017 को कैशियर को 1,000 रुपया दिया गया ओपनिंग बैलेंस, पांच एक सत्रह को उसने कन्वेंस के लिए 200 रुपया दिया, आठ जनवरी को उसने प्रिंटिंग करवाई 100 रुपये की, 12 जनवरी को उसने कैरिज पे किया 200 का, 15 जनवरी को उसने मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए, मतलब चाय कॉफी वगैरह का कोई खर्चा हुआ 200 का। अब हम टोटल कर लेंगे महीने के एंड पे, तो ये 1,000 पे हुआ था, और 700 रुपया उसमें से खर्चा आया, अब 1,000 और 700 का जो डिफरेंस है वो 300 है, तो ये उसके पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। अब होगा क्या सिलसिला, यकम फरवरी को यकम फरवरी को जो ओपनिंग बैलेंस है वो 300 है, अब इसको कितना पे किया जाएगा यकम फरवरी को, 700 रुपया। तो ये कितना बन जाएगा, 1,000। अब सेम इसी तरह के वो खर्चे इस महीने भी करेगा। अगर तो वो
1000 पूरे का पूरा खर्च कर देता है तो नेक्स्ट मंथ उसे 1000 मिल जाएगा। और अगर वो पिछले महीने की तरह 700, 500 या 600 रुपया खर्च करता है तो रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा उसको निकाल के जो बकाया बचता है, जिस तरह यहाँ पे 700 पे किया कंपनी ने, उसका अगर 500 इस महीने फरवरी के महीने में खर्चा आता है तो 500 से और मिल जाएगा। और अगर वो 1000 से ज़्यादा खर्चा कर देता है, 1200, 1300, 1400 रुपये कर देता है, तो सबसे पहले उसे 300 रुपया जो होगा वो रीइंबर्स होगा, हेड कैशियर उसको अपनी जेब से खर्च करने की वजह से 300 रुपया देगा और इस महीने के खर्चे के लिए 1000 रुपया उसे इम्प्रेस पेटी कैश के सिस्टम के जरिए उसे 1000 रुपया और दे दिया जाएगा। तो ये था हमारा पेटी कैश बुक का सिस्टम। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।